कहते हैं शेर बूढ़ा हो जाता है लेकिन शिकार करना कभी नहीं छोड़ता। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद भी रैना की विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला है और यही वजह है कि आज भी अलग अलग तरह की T20 लीग में उनकी काफी मांग है और यही वजह है कि आज भी अलग अलग T20 लीग में काफी मांग में है और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को खेले गए मुकाबले में भी रैना ने कुछ ऐसा ही किया है। आपको बता दें कि लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2023 में इंदौर नाइट्स की तरफ से खेलते हुए नागपुर निंजास के खिलाफ गाजियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रैना की तूफानी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। हरभजन सिंह की टीम के खिलाफ रैना ने मात्र 45 गेंदों में 230 स्ट्राइक रेट से 90 रनों की आक्रामक पारी खेली। इस पारी में रैना ने 10 चौके और 4 लंबे छक्के लगाए। रैना की इस पारी को देखकर लगा ही नहीं कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उनकी इस इनिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है जो फैंस को खासा पसंद भी आ रहा है। आपको बता दें सुरेश रैना की 90 रनों की तूफानी पारी के बदौलत उनकी टीम इंदौर नाइट्स ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके जवाब में नागपुर निंजास 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन ही बना सकी और मैच 11 रन से हार गई। रैना को उनकी आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। रैना संन्यास के बावजूद लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अभी भी कतर से लीजेंड क्रिकेट लीग खेलकर लौटे हैं। इस लीग में रैना गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया महाराजा की तरफ से खेले थे। इस लीग में भी रैना की बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिला था। हालांकि इंडिया महाराजा फाइनल में नहीं पहुंच पाई और यह लीग शाहिद अफरीदी की कप्तानी वाली एशिया लायन ने जीता।